हाल में हफ्ता 10 दिन पहले हम लोगों ने जेपीएससी का नियुक्ति किया 250 बच्चों को। आप विश्वास नहीं करेंगे, उन 250 बच्चों में 35 बच्चे ऐसे थे जो बीपीएल परिवार के थे। कितनी बड़ी गौरव की बात है, कोई सैया की बेटी है, कोई पोषण सखी का बेटा है, कोई वेल्डर का दुकान चलाने वाला का बेटा बेटी है। इतना कमजोर वर्ग के परिवार के नौजवान आज बीडीओ सीओ इंस्पेक्टर बनकर के राज्य के विभिन्न कोने में तैनात हो गए। और ये मौका आपको भी मिलेगा, आप भी दिल लगाकर तैयारी करें और निश्चित रूप से इस राज्य में जो काबिलियत हमने देखा है वो काबिलियत निश्चित रूप से और राज्यों की अपेक्षा काफी मजबूत है। हमारे इस राज्य में नेतरहाट जैसा स्कूल है जहां देश में सबसे अधिक आईएएस आईपीएस उस स्कूल ने दिया है। आज निश्चित रूप से अगर हम लोगों ने संकल्प लिया, हम अपने इस राज्य को निश्चित रूप से जो आज पिछड़े राज का जो कलंक का दंश झेल रहा है, आने वाले 5-6 सालों में इस देश के अग्रणी राज्य में इसको ले जाकर के हम लोग दिखाएंगे आप लोगों के सहयोग से। कई अन्य चीजें जो अभी करना बाकी है, मुझे तो लगता ही नहीं है कभी यहां पर इस राज्य को आगे बढ़ाने की दिशा में कोई कार्य योजना बना हो, कोई रूपरेखा बना हो कि अगले 50 साल में क्या होगा, इस राज्य का भविष्य क्या होगा। हमेशा भुखमरी और हमेशा यहां पर प्रताड़न का दंश झेलने वाला ही राज्य बना रहेगा कि आगे भी बढ़ेगा, हम बढ़ सकते हैं। आज इस राज्य में एक सुनियोजित ढंग से इस राज्य को बर्बाद करने का कार्य योजना बना रहा। इस राज्य में इतने बड़े बड़े उद्योग कारखाने लगे, आज शायद कोई भी व्यक्ति यहां पर भूखा मरने की स्थिति पे नहीं होता। आज जब देश को आगे बढ़ाने में इस राज्य की भूमिका है तो इस राज्य के लोगों का आगे बढ़ने का हकदार क्यों नहीं, इसका भी रास्ता निकलेगा और निकल रहा है। आज यहां उपस्थित नौजवानों का जनसमूह कह रहा है कि अब यह राज रुकेगा नहीं, निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा।